हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप अच्छे ही होंगे। होप ही कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे हो। बाकी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ टैनिंग के ऊपर। आजकल देख रहे हो आप, समर का सीज़न चल रहा है और गर्मी कितनी ज़्यादा है। और कई ऐसी लेडीज़ हैं जो घर से बाहर जाती हैं जॉब करने, स्कूल गोइंग गर्ल्स है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, मेंस के लिए और बॉयज़ के लिए, सबके लिए है ये। हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है। और जो हाउसवाइफ हैं और जो घर पे रह रही हैं, ये नहीं कि वो बाहर नहीं जा रही हैं तो उनको टैनिंग नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। घर में रहकर भी टैनिंग हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम गैस के पास काम करते हैं तो उससे टैनिंग हो जाती है। कपड़े सुखा रहे हैं यार, आप धूप में जा रहे हो, वापस आ रहे हो तो उतनी देर भी ही टैनिंग हो जाती है। टैनिंग होने में कोई टाइम नहीं लगता। बाकी ये एक ऐसा नुस्खा है जिसको आप डेली अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फेस को, अपनी त्वचा को फ्रेश रख सकते हैं। ग्लो आपका फेस बहुत ज़्यादा करेगा। और जो इसमें इंग्रीडियंट्स जा रहे हैं वो सब घर में मिलने वाली आम चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मिलती हैं। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो घर में नहीं मिलता। तो ये छोटी सी एक वीडियो मैं बना रही हूँ, एक छोटा सा DIY बोल लीजिए, होम रेमेडीज बोल लीजिए, वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये बहुत यूज़फुल है और आप इसे ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैं भी इसे ट्राई कर रही हूँ और जो टैनिंग होगी वो थोड़ा कम होगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, आप देख सकते हैं इवन एक बिंदी तक नहीं है, कोई मेकअप मैंने नहीं कर रहा है। तो ये मैं आपको सब कुछ करके वीडियो में ही दिखाऊंगी कि ये कैसा है, क्या इसका रिजल्ट, इंस्टेंट क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, ये मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी। तो इसमें क्या क्या जाएगा मैं पहले आपको बता दूं। ये एक टमाटो फेशियल, हाँ जी, एक टमाटो फेशियल है। इसमें जाएगा आपका ये हाफ टमाटो, आपको दिख रहा हो शायद, जस्ट अ मिनट, हाँ, हाफ टमाटो, बेसन और ये शहद, और ये एक चुटकी जाएगी इसमें हल्दी। तो ये आपने अच्छे से देख लिया होगा, मैंने एक पूरा टमाटो काट के रखा है। अगर मुझे पूरे की नीड होगी तो मैं पूरा यूज़ करूँगी, और अगर आधे की नीड होगी तो सिर्फ ये आधा ही यूज़ होगा, इतना ही यूज़ होगा। और टमाटो में विटामिन सी है, और विटामिन सी हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। शहद है, ग्लोइंग करेगा फेस को और स्मूथ बनाएगा। और ये जो बेसन है वो स्क्रब का काम करेगा। हल्दी के तो यार सबको ही उपयोग जानते ही हैं, शादी में हमें हल्दी चढ़ती है, सब कुछ होता है, कितना ग्लो आता है उससे। तो ये सब कुछ आइटम्स के साथ जो है मैं आपको फेशियल करके दिखाऊंगी। सिंपल, इजी और डेली यूज़ करने वाली चीज़ है, आप डेली ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, लेडीज़ के लिए नहीं है, इसको बॉय जेंट्स हर कोई अप्लाई कर सकता है। और इवन आप अपने छोटे बच्चों को भी, जिनको टैनिंग हो गई है, वो भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर साइड इफेक्ट होता तो हम सोचते एक बार को कि बच्चों पे अप्लाई करें या नया किसी की स्किन पे जा रहे हैं। बट हाँ, जो हल्दी है, हल्दी आप लिमिट से लें, बहुत ज़्यादा भर के ना लें, क्योंकि हल्दी में इचनेस होती है, तो हो सकता है आपके फेस को वो ना सूट करे। क्योंकि ये, और ये तो मेरे वाली जो हल्दी है, ये ओरिजिनल हल्दी है, घर की हल्दी है, और ये पिसवा के हम लाए हैं गाँव से। बट जो बाजार वाली हल्दी है उसमें क्या केमिकल है क्या नहीं है ये नहीं पता। तो आप इस वाली हल्दी को देखोगे तो ये थोड़ा सा अदर हल्दी से ज़्यादा, उसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम वो येलोनेस नहीं है, तो हल्की सी इसमें रेडनेस भी है। तो ये तो भैया गांव की, पहाड़ों की शुद्ध हल्दी है, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और आप भी देखना, और अच्छी से हल्दी की क्वांटिटी जो है वो एक चुटकी ही रखना, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपको इचिंग होगी। बाकी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इस फेशियल को करना है। कुछ नहीं करना आपको, ये देखिए इस तरीके से टमाटो पकड़ना है, शहद में डिप करिए, हल्दी में डिप करिए और ये बेसन में डिप करिए, इन सबको मिला लीजिए। मिला लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और अपने फेस पे इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करिए, अच्छे से जेंटल मसाज कीजिए, और जो टमाटो को है थोड़ा प्रेस कर करके यूज़ करिए। ये आप इसमें देखेंगे जो इसके ये पल्प है, इसका जो ये बीज है, ये भी एक स्क्रब का काम करेंगे। बेसन भी हमारा स्क्रब का, और बेसन का तो हम वैसे भी एज अ फेस पैक भी लगा लेते हैं। तो आप इसको अगर लगाने के बाद जो है थोड़ी देर छोड़ दीजिए, सारे आपको इसमें, मतलब ये ऐसी होम रेमेडी है कि इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, कुछ भी आपको अदर नहीं करना पड़ रहा, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको क्रीम अप्लाई करनी पड़ रही है, कुछ अलग से करना पड़ रहा है, सब कुछ है इसमें। इसे अप्लाई करिए, इस तरीके से जेंटल मसाज करिए आप अच्छी तरह से, मतलब बीच बीच में इस टमाटो को प्रेस करते रहिए, इसका रस जो है अपनी स्किन पे आने दीजिए कुछ इस तरीके से। और हाँ, ये नीचे टपकेगा तो भैया या तो हैंड लगा लीजिए या नीचे कुछ रख लीजिए, मैंने तो अभी हैंड लगाया है, इसका जो रस है वो टपकेगा इस तरीके से। तो आप इसको अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिए। अब आप देखेंगे ये टमाटो से मैंने पूरी अच्छी तरीके से इसको कर लिया है, मसाज कर लिया है, ये टमाटो का थोड़ा ये छिलका सा बच गया है। अब बाकी जो ये बेसन है इसको मैंने हल्का सा पानी, वैसे जो शहद वगैरह और जो भी हल्दी थी इसको अच्छे से इसी में ऐड कर दिया है, ये इस तरीके से दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट,
ये इस तरीके ऐड कर दिया, तो एज ए फेस पैकअप मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, ड्राई हो जाएगा और जब ये सूख जाए इसको रिमूव कर दीजिए आप ये। और ये एक ऐसी चीज़ है यार, आप इसको डेली अप्लाई कर सकते हैं, जितना अप्लाई आप डेली करोगे, नहीं होता आपसे डेली अप्लाई तो एटलीस्ट वीक में 2 या 3 डेज करो और आप इंस्टेंट ग्लो भी देखोगे कि हमारे फेस पे कितनी अच्छे से ग्लो आता है, टैनिंग जो है वो ख़त्म होगी, जो झाइयाँ होती है उसके लिए भी ये अच्छा है, पिंपल्स रोकेगा यार, क्योंकि सब कुछ नेचुरल है यार इसमें, तो सब कुछ ही रोकेगा। तो इस तरीके से नेक एरिया पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसे यूज़ करिए। थोड़ी देर बाद इसको सूखने के बाद हटा दीजिए, स्क्रब करके निकाल दीजिए, कोई मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं या कोई फेस क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो यार कुछ भी नहीं है, कुछ तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं होगा, बस इसको आप अप्लाई कीजिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर इसको वॉश होने के बाद इसके रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि क्या रिजल्ट रहा, और बढ़िया है यार ये, अभी एज अ फेस पैक मैंने पूरा यूज़ कर लिया है, अभी सूखता है तो मैं इसको आपको धो के फिर। अब मैंने जो स्क्रब करने के बाद जो है फेस वॉश कर लिया है, मैं थोड़ा सा इससे मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ इसका असली ग्लो क्या आया है। दिख तो वैसे ही रहा होगा आपको कि ग्लो, नोज़ देखिए कितनी शाइन कर रही है, बाकी मैं इस पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें ये हिमालय का नरिशिंग फेस मॉइस्चराइज़र लोशन यूज़ कर रही हूँ और आपको फिर पक्का वाला ग्लो दिखाते हैं क्या ग्लो है नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा लीजिए, ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लिया है, टैप टैप करके लगा लीजिए यार पूरे फेस में, क्योंकि बेसन लगाने के बाद क्या होता है थोड़ा सा ना, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, ऑयली स्किन है तो। पूरा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आप ग्लो खुद देख सकते हो, ग्लो आया है, जो छोटे छोटे ये हमें मेरे दाने हो रहे हैं अब इन पे इनको इग्नोर करना क्योंकि ये बहुत गर्मी की वजह से हो रहे हैं, ये भी धीरे धीरे इन सब चीज़ों से ठीक होंगे। और बाकी इंस्टेंट ग्लो है टमाटो फेशियल का, और आप लोग प्लीज़ यूज़ करें यार, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा आपको, आपके बच्चों को, जेंट्स को, बॉयज़ को, ये सभी के लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सब इसे यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी ऑयली स्किन है अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड है टोटली, अगर ड्राई स्किन वालों के लिए तो मस्ट है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे बेसन लगाने के बाद है स्किन ड्राई हो जाती है, जो मैंने इसके लगाया था फेस पैक बेसन का, तो आप उसे अप्लाई कीजिए। और आपको अगर मेरी ये होम रेमेडी, मेरा ये ग्लो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक मी और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।